हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको दो क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं। एक होता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, आपको मिनिमम आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे उसकी बात करेंगे हम, और साथ ही हम बात करेंगे कि आपको अपने सब्जेक्ट में कट ऑफ क्रॉस करना पड़ेगा तब जाके आपको यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो दो क्राइटेरिया आपको यहाँ पर फॉलो करने होते हैं, दोनों के बारे में आज बात करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से पूरा देखिए ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। इससे पहले गाइस हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर या PhD एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं, तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। दिस इज द ऑफिशियल ब्रोशर जो कि मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ओपन करके रखा हुआ है। ये दिस इज द ऑफिशियल ब्रोशर ऑफ यूजीसी नेट, ये इशू किया था NTA ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोसीजर है, क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, और यहाँ पर स्टेप वन और स्टेप टू दोनों ही आपको जो है कंप्लीट करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर दो क्राइटेरिया है, दोनों को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। पहला क्राइटेरिया ये कि आपको 6% जो जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर करेंगे उनमें आपको टॉप 6% में आना होगा, सो दैट आपको यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर हम बात करें स्टेप नंबर टू की, तो इसमें आपको कैटेगरी वाइज जो है आपको एलोकेट की जाती हैं सीटें, तो आपके आपकी खुद की कैटेगरी में टॉप 6% में आपको आना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस बिसाइड फुलफिलिंग दिस क्राइटेरिया आपको यहाँ पर मिनिमम 40% स्कोर करना पड़ेगा पेपर वन पेपर टू मिला करके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपियर्ड इन बोथ द पेपर्स एंड सिक्योर्ड एटलीस्ट 40% अग्रीगेट मार्क्स, तो पेपर वन और पेपर टू दोनों का मिला करके आपको मिनिमम 40% स्कोर करना पड़ेगा फॉर जनरल कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी, दोनों की बात की जा रही है, आपको 40% स्कोर करना ही पड़ेगा एंड 35% स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी में से आते हो तो आपको मिनिमम 35% स्कोर करना पड़ेगा। तो गाइज अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो पेपर वन और पेपर टू दोनों की मिलाकर के आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन बनते हैं दोनों के। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर 60 क्वेश्चन एकदम सही करने पड़ेंगे ताकि आप इस लिस्ट में आ सकें जिस लिस्ट में टॉप 6% बच्चों को चुना जाना है। इस लिस्ट में आने के लिए आपको मिनिमम 60 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, और अगर आप बिलोंग करते हो SC ST OBC कैटेगरीज तो ऐसे में आपको 53 क्वेश्चन एकदम ठीक करने पड़ेंगे तब जाकर के आप इस लिस्ट में आ पाओगे। अब इस लिस्ट में एक बार आपका नाम आ गया, इस लिस्ट में टॉप 6% जो बच्चे होंगे, जो टॉप स्कोरर होंगे 6%, इनको UGC नेट का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, और जो बाकी रिमेनिंग बचेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर इनको बोला जाएगा कि आप नेक्स्ट ईयर अपियर करें, इस साल आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। दो चीजें हैं, पहला है कि आपको मिनिमम 40% स्कोर करना पड़ेगा फॉर जनरल कैटेगरी एंड 35% स्कोर करना पड़ेगा फॉर रिजर्व कैटेगरी ताकि आप उस लिस्ट में आ जाएं जिस लिस्ट से टॉप 6% बच्चे चुने जाने हैं। एक बार आपका इस लिस्ट में नाम आ गया देन यहां पर आपको टॉप 6% में आना पड़ेगा ताकि आपको नेट का सर्टिफिकेट दिया जा सके, और ये कैटेगरी वाइज होता है। आपको अपनी जैसे ओबीसी कैटेगरी तो उसके अंदर टॉप 6% में आना पड़ेगा, जनरल हो तो जनरल कैटेगरी में आपको टॉप 6% में आना पड़ेगा। सो ये जो दो क्राइटेरिया है इसके बेस पे आपको आपका सिलेक्शन होता है, और इसके अलावा गाइज यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है। तो अगर आप क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन पे मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको समझाऊं किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है, अलग अलग शिफ्ट के एग्जाम होते हैं ना, जैसे कॉमर्स का एक शिफ्ट में एग्जाम हो गया देन दोबारा से सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होता है, एक इनका पेपर इजी था इनका पेपर टफ आया था, तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब इस प्रोसेस को कैसे करते हैं, अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को मैं बनाऊं तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, तो मैं इस वीडियो के रिगार्डिंग इस टॉपिक के रिगार्डिंग भी एक वीडियो फर्दर एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। एंड गाइज जैसा कि आपने देखा कि यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको टॉप 6% में आना पड़ेगा, तो ये टॉप 6% की रेस है, इसलिए जितना जल्दी स्टार्ट करोगे अपनी प्रिपरेशन उतने ही अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी आपके एग्जाम तक। आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे आपका कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा, आपको कंप्लीट रिवीजन करने का टाइम मिलेगा, प्लस आप मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इसलिए 2023 का नया बैच हमने स्टार्ट किया है यहाँ पर, आप इसको आज से ही ज्वाइन कर लीजिए। जितना लेट करेंगे उतना ही आप अपने कॉम्पिटिटर से दूर होते चले जाएंगे, आई मीन उनसे पीछे होते चले जाएंगे। सो क्रैश कोर्स फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, कॉमर्स भी स्टार्ट कर दिया है, मैनेजमेंट भी स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर अभी, क्योंकि अभी जस्ट कोर्स स्टार्ट हुआ है, नया बैच बना है, तो आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा, बायलिंगुअल कंटेंट रहेगा, जिस तरीके से NTA क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से चीजों को कवर किया हुआ है, मॉक टेस्ट है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, अलग से मॉक टेस्ट परचेज करने की जरूरत ना पड़े, और PDF फॉर्मेट में नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे ताकि आपको अलग से नोट्स परचेज करने की जरूरत ही ना पड़े। इसके अलावा गाइस यहाँ पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो पेपर वन की फीस है वो है 3,999 की, और जो आपकी पेपर टू की फीस है वो है आपकी 4,999 की, तो क्योंकि यहाँ पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है
अभी क्योंकि कोर्स लॉन्च हुआ है इस वजह से लॉन्चिंग ऑफर चल रहा है अभी, तो फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 20 अक्टूबर तक ये ऑफर अवेलेबल रहेगा गाइस। तो यहाँ पर 3999 का मतलब है पेपर वन की फीस आपकी हो जाएगी 3200 रुपये के आसपास, और जो आपकी 4999 की फीस है ये आपकी हो जाएगी 3999 पेपर टू के लिए, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की बता रहा हूँ मैं। तो अभी क्योंकि ऑफर चल रहा है, अभी आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो फटाफट से आप स्टार्ट कर लीजिए। मैं आपको दिखा दूँ कि इसको क्रैश कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है। यूजीसी नेट एंड्रॉइड ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करेंगे, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से, एक एक टॉपिक वाइज चीजों को कवर किया हुआ है, मॉक टेस्ट है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें अच्छे से, बायलिंगुअल मॉक टेस्ट रहेंगे आपके यहाँ पर। इसके अलावा गाइज आप देखेंगे हर एक टॉपिक की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी ताकि आप डाउनलोड करके बाद में भी चीजों को रिवाइज कर सकें। तो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड आपकी स्टडी यहाँ पर रहने वाली है। इस वीडियो को गाइज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। एंड गाइज अभी तक हमें टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो नहीं किया तो कर लेना, और साथ ही आप हमें यूजीसी नेट मेंटर के नाम से इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो में इतना गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।